दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अब YouTube पर अच्छे वीडियोस सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स में देखने को मिलते हैं, तो जरा अब इस वीडियो को देखो। नंबर 10, मोदी लुका लाइक्स। दोस्तों, मेरी तरह आपने भी ये जरूर सुना होगा कि इस दुनिया में हर किसी के साथ हमशक्ल मौजूद होते हैं। अब कितने होते हैं, कहाँ होते हैं, वो चीज गई तेल लेने। पर जरा हमारे मोदी जी के हमशक्लों को देखो। इन जनाब का नाम है रामचंद्रन, जो कि काफी ज्यादा मोदी जी से मिलते जुलते हैं। इनकी ये फोटो किन्नौर की है, जब ये अपनी माँ से मिलने गए थे। ये ऑटो वाले भैया प्रयागराज के रहने वाले हैं, और आप मानोगे नहीं, ये भी एकदम मोदी जी के जैसे दिखाई पड़ते हैं। और यही कारण है कि इनकी बिक्री दूसरों के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। अरे, सबसे ज्यादा लुका लाइक तो विकास मेहता जी को माना जाता है। दोस्तों, ये गुजरात के काफी अच्छे बिजनेसमैन तो हैं ही, साथ ही मोदी जी के लुका लाइक भी हैं। ये बस दिखाई ही नहीं देते, बल्कि मोदी जी के जैसे बात भी कर लेते हैं और हर हरकत भी कॉपी कर लेते हैं। वैसे आपको इन तीनों में सबसे ज्यादा सेम कौन लगा? नंबर 9, एयर स्विमर। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको ऐसी मछली के बारे में बताया था जो कि हवा में उड़ती थी। पर क्या आपने कभी किसी मछली को हवा में तैरते हुए देखा है? हाँ जी, तैरते हुए। तो जरा इस वीडियो को देखो। अब ये शार्क हवा में तैर रही है तो असली तो होगी ही। जी हाँ दोस्तों, ये दरअसल एक रोबोटिक शार्क है, जो कि एक तरह के रिमोट से चलती है। पर जब ये चलती है तो लगता है कि जैसे कोई 3D शो चल रहा हो। दोस्तों, ये रोबोट्स इतने ज्यादा एडवांस्ड होते हैं कि ये जहां जाएं लोगों की भीड़ जमा करवा सकते हैं। अरे, आपको बताऊं, इनको बनाना कोई बहुत कठिन काम नहीं होता। ये एक बलून जैसी होती हैं, जिनमें पीछे एक मोटर पूरे फिगर को ऑपरेट करती है। गजब यार, काश ये ऑनलाइन मिल पाती। नंबर 8, डिटोनेटर इन रेलवे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये लोग रेलगाड़ी के नीचे ऐसे फटाके क्यों फोड़ रहे हैं। भाई, दरअसल ये लोग फटाके नहीं फोड़ रहे, बल्कि एक तरह से रेलगाड़ी को दुर्घटना होने से बचा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब धुंध या फिर बारिश के कारण विजिबिलिटी नहीं होती, तब ऐसे में ड्राइवर का सिग्नल ना देख पाना काफी ज्यादा बड़ी समस्या बन सकती है। तो इसलिए उस समय पटरियों पर ये डिटोनेटर लगा दिए जाते हैं कि जैसे ही रेलगाड़ी इन पर चलती है तो डिटोनेटर फटने शुरू हो जाते हैं। और ऐसे में ड्राइवर को पता चल जाता है कि गाड़ी को रोकना है, डिटोनेटर फट रहे हैं। और ऐसा करके ट्रेन रुक जाती है और बला टल जाती है। कुछ कहो, ये कैसे टिकली जैसे फट रहे हैं, है ना? नंबर 7, गाय टेंगल्ड अप इन अ पैराशूट। दोस्तों, जब भी एयरप्लेन या कोई फ्लाइंग व्हीकल में प्रॉब्लम आ जाती है तो एक मात्र उपाय होता है पैराशूट की मदद से छलांग लगा लेना। तो क्या आपने सोचा है कि यार अंशुमन भाई, ये पैराशूट वगैरह कभी फेल नहीं होते क्या, जो लोग इन्हें इतनी बेफिक्री से लेकर कूद पड़ते हैं? दोस्तों, इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही होता है, जब इस बंदे के पैराशूट में अचानक से आग लग जाती है। बीच हवा में ही पूरा पैराशूट आग की तरह धधकने लगता है, और बचने के लिए ये शख्स इसे छोड़ देता है और हवा में फ्री फॉल करने लग जाता है। अब क्या, पैराशूट तो गया। यार, वो ऐसा नहीं होता। दरअसल पैराशूट बैग में दो पैराशूट आते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। सेकेंडरी पैराशूट तब खोला जाता है जब किसी वजह से प्राइमरी पैराशूट धोखा दे जाता है, और ऐसे करके ये दोनों मिलके कोई ना कोई तो सामने वाले को बचा ही लेता है। पर यार, पता नहीं लोग इतनी रिस्क लेते काय को हैं। नंबर 6, ओ नो प्रैंक। दोस्तों, यूट्यूब पे तो आए दिन एक से बढ़कर एक प्रैंक होते रहते हैं, पर अभी आप जिस प्रैंक को देखने जा रहे हो, उसे देखने के बाद कसम से आपकी हंसी नहीं रुक पाएगी। तो इस प्रैंक के लिए ये आदमी अपने स्टूल को कुछ इस तरीके से डिजाइन कर लेता है कि जैसे ही सीट को घुमाया जाता है, एक रॉड निकलकर अगले बंदे के पीछे घुस जाती है। भाई साहब, लड़कियों का रिएक्शन देख रहे हो? ऐसा लग रहा है कि भैया पूरा दर्द तो इस सामने वाली महिला ने झेला हो। खैर, ये दरअसल एक तरीके का प्रैंक होता है, जिसमें ये जो रॉड है, ये भी वजन पड़ने पर अंदर दब जाती है। जो भी हो भाइयों, सबके रिएक्शन तो देखने लायक थे।
पर एक बात बताऊं, मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा सचमुच में हुआ था। जब साइकिल चलाते चलाते सीट गिर गई थी और वो ब्रेकर पर ऐसी ही रॉड पर बैठ गया था। कसम से 2 दिन स्कूल नहीं आया था फिर। नंबर 5, वेयर सन नेवर सेट्स। दोस्तों, हमारे देश भारत सहित अन्य देशों में सूरज ठीक सुबह उगता है और शाम में ढल जाता है, पर क्या आपको पता है कि हमारी धरती पे एक जगह ऐसी भी मौजूद है जहाँ पे सूरज कभी डूबता ही नहीं है। दोस्तों, दरअसल ये जगह आर्कटिक अलास्का में मौजूद है। ये जगह हमारे अर्थ के नदन पार्ट के एक ऐसे एंगल पर मौजूद है जहाँ से सूर्य की रोशनी कभी बिछड़ती ही नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे कभी रात होती ही नहीं है। और आप 24 घंटों के इस टाइम लैप्स में देख ही सकते हो कि किस तरह सूरज डूबता है और वापस से आ जाता है। गजब यार, सूरज तो यहाँ के आसमान में कमाल ही मचाता है। लग ही नहीं रहा कि ये हमारी ही अर्थ है। नंबर 4, आरसी कार वर्सेस जीप। दोस्तों, आपने कई ऐसे रिकॉर्ड्स देखे होंगे जिनमें कोई अपने बालों से गाड़ियों को खींचता है तो कोई अपने मूंछों से। पर क्या आपने एक रिमोट कंट्रोल कार को किसी जीप को खींचते हुए देखा है? हैं? एक खिलौना एक असल की कार को भला कैसे खींच सकता है? दोस्तों, दरअसल मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, पर ये दुनिया है जनाब, यहाँ सब कुछ हो सकता है। भाई साहब, इस आरसी कार ने तो सचमुच में इस इतनी बड़ी जीप को ही खींच डाला। लेकिन ये कोई नॉर्मल आरसी कार नहीं थी, बल्कि इन लोगों ने इस कार के सभी पार्ट्स को पावरफुल पार्ट्स के बदले रिप्लेस कर दिया था, जिसके कारण ये दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल आरसी कार बन चुकी थी। नंबर 3, फ्लैश फ्लड। दोस्तों, जब भी किसी नदी के पास 6 घंटों से ज्यादा बारिश होती है तो वो फ्लैश फ्लड का रूप ले लेती है। दोस्तों, इसे कुदरत का सबसे ज्यादा खतरनाक करिश्मा भी माना जाता है, क्योंकि ये बाढ़ अचानक से आती है और सब कुछ अपने साथ लेकर के चली जाती है। अब यार, वो फ्लैश फ्लड कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। देख रहे हो, इसलिए बारिश के बाद किसी भी नदी में नहीं जाना चाहिए। क्या मतलब कब कहां सैलाब उठ जाए। नंबर 2, हाउ मखानाज आर प्रिपेयर्ड। दोस्तों, आपने कभी ना कभी इन मखानों को तो जरूर खाया होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये मखाने बनते कैसे हैं? दरअसल यार, वो मखानों को दुनिया के सबसे ज्यादा कठिनाई से एक्सट्रैक्ट किए जाने वाला फल बोला जाए तो गलत नहीं होगा। तो इसे बनाने के लिए रुके हुए पानी में सबसे पहले इसका पौधा लगाया जाता है, और जब ये पौधा बड़ा होने लगता है तो इसमें से एक फूल बाहर निकलता है और कुछ समय बाद एक कांटों से भरा हुआ फल भी आता है। फिर कुछ हफ्ते बाद ये कांटे वाला फल पौधे से अलग होकर के पानी में वापस गिर जाता है, और 2 महीने पानी में रहने के बाद इसके कांटे अलग हो जाते हैं। फिर पानी के भीतर जाके छन्नी की मदद से इन बीजों को छान लिया जाता है, और इसे सुखाने के बाद अच्छी तरीके से धुन करके आगे प्रोसेस कर दिया जाता है। इसके बाद फिर अंत में एक लकड़ी के ऑब्जेक्ट से इन बीजों को तोड़कर मखाना बनाया जाता है, और लो भैया, इतनी मशक्कत के बाद बनकर सामने आता है आपका मखाना, जिसे कई लोग दारू के साथ यूं ही चखने में खा जाते हैं। मैं तो सोचता था यार, इसका पेड़ होता होगा। चलो जाने दो, अब जरा इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट को देखो। नंबर 1, चिकन हेड वर्सेस मील वर्म्स। दोस्तों, मीलवर्म्स कीड़ों की एक ऐसी प्रजाति होती है जो कि कुछ ही घंटों में किसी भी चीज को खा पी के खत्म कर देती है। तो जब एक वीडियो में इसमें एप्पल डाला गया था तो इन्होंने तो एप्पल को कुछ ही घंटों में खा पी के खत्म कर दिया था, पर क्या होगा अगर इसमें असल की मर चुकी मुर्गी की मुंडी डाल दी जाए? कितनी देर लगेगी इनको, चलो देखते हैं।
भाई साहब इन मील वर्म्स ने तो सचमुच में इस मुर्गी के सर को ही गायब कर दिया। अगर कुछ बचता है तो सिर्फ और सिर्फ हड्डी, पर अगर कुछ देर से छोड़ा जाता तो ये मील वर्म्स इन हड्डियों को भी ना छोड़ते। दोस्तों जो भी हो, इस टाइम लैप्स वीडियो के चक्कर में मील वर्म्स का तो काम बन गया। वैसे यार हमारे वीडियोस आने के बाद कॉपी करने वाले चैनलों का भी काम बन जाता है, तो उन चोरों के नाम पर ही सब्सक्राइब कर दो यार। और भैया मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले एपिसोड में, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।